हेलो गाइस, वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो गाइस आज हमारे साथ फिर राहुल भैया हैं, और जिन जो लोग राहुल भैया को नहीं जानते तो भाई एक बार यूट्यूब सर्च करो, पता लग जाएगा। राहुल भैया अपने पास कौन सी गाड़ी है वो बता दो। हुंडई क्रेटा। और आज हम क्या करवाने आए हैं उसमें? थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन जो भी है, पहले करवाई थी उसके अलावा और कुछ अपने अलॉयज चेंज, लाइट्स अपग्रेड जो आप कंपनी से लेके आए हो। मार्केट के हिसाब से ना उसको अपग्रेड करने के लिए तो लेवल पर रखनी पड़ेगी ना गाड़ी। बिल्कुल। तो गाइस आज भैया दोबारा से ना मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। कुछ एसेसरीज भैया की गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और कुछ आज इंस्टॉल करवाएंगे। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं क्रेटा से रिलेटेड, कौन कौन सी एसेसरीज आती है। अपने पास जो मॉडल है गाइस वो है 1.4 ई प्लस मॉडल, जो अपना बेस आता है डीजल में। तो गाइस वो मॉडल है और आप देखना भाई गाड़ी को कितना बढ़िया बना रखा, और आज और बढ़िया बनाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइस गाड़ी का काम हो चुका है स्टार्ट। कुछ काम गाइस गाड़ी के अंदर पहले ही हो रखा है, कुछ अभी बिल्कुल लेटेस्ट अभी हो रहा है। तो जैसे कि आप देखा होगा गाइस ये बिल्कुल बेस मॉडल अपना 1.4 जो ई प्लस मॉडल आता है डीजल का, जो बेस मॉडल आता है ये वो है। इसके अंदर अलॉय व्हील्स पहले 17 इंचेस के लगे हुए थे, तो अब दोबारा से नए अलॉय व्हील्स लग रहे हैं। साथ के साथ गाइस इसके अंदर अलॉयज लाइट भी लग रही है, जो काफ़ी आजकल मार्केट के अंदर इन है, तो वो भी इसके अंदर लग रही है। वो मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। तो गाइस अभी जो प्रेजेंटली काम हो रहा है वो इसके अंदर पूरी जो इसकी हेडलाइट्स है, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट चल रही है। वैसे ये फेसलिफ्ट वाला मॉडल है, बट इसके अंदर जो हेडलाइट्स है वो ओल्ड क्रेटा वाली डल रही है, क्योंकि जिन बाइक की गाड़ी थी उन्हें DRL चाहिए था। साथ ही गाइस ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइट्स हैं, आप देखो यहाँ पे सीलिंग वगैरह, और आप इसके पूरा ये वाला पार्ट देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइट्स है। तो जिन भाई की गाड़ी थी गाइस उन्होंने कंपनी से ही ये परचेज कर ली थी, और जस्ट यहाँ पे वायरिंग होने के लिए आई है। वायरिंग के साथ साथ गाइस इसके अंदर आपको पता होगा हेलोजन आता है, अपनी व्हाइट लाइट नहीं आती है, तो उसके अंदर हमारी व्हाइट लाइट भी इंस्टॉल हो रही है। तो वो सब मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। अभी वायरिंग का प्रोसेस अंडर प्रोसेस है वायरिंग पूरी, जैसी वायरिंग होगी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ के साथ गाइज अगर मैं आपको फॉग लाइट दिखाऊं तो ये पूरी फॉग लाइट इसके अंदर इंस्टॉल की गई है बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी। तो ये वाला पार्ट पूरा इसका DRL है विद इंडिकेटर, तो सब ऑन करके दिखाऊंगा। साथ के साथ वो जो ये वाला पार्ट दिख रहा है गाइज इसके अंदर अपनी HID डली है क्रिस्टल आई कंपनी की, तो इसके अंदर भी हेलोजन आता है, तो कंप्लीट वाइट सेटअप हो गया ऊपर प्रोजेक्टर में भी और नीचे भी। तो एक बार आपको मैं HID भी दिखा देता हूँ गाइज, एरी अपनी क्रिस्टल आई की इसके अंदर HID डली है, आप पूरा देख लो एरी क्रिस्टल आई की HID, और जो प्रोजेक्टर के अंदर HID डली है वो एरी। तो अभी जस्ट वायरिंग अंडर प्रोसेस है, तो जैसे ही ऑन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, फॉग लैंप्स वगैरह की भी रोशनी पूरी दिखाऊंगा। साथ के साथ गाइज अलॉयज वगैरह का काम भी हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, और लाइट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ, इसके अंदर पीछे भी गाइज काफ़ी अपनी लाइट्स वगैरह चेंज है, तो आप आपको पूरी दिख रही होगी BMW स्टाइल लाइट्स भी डली है और अपनी पिलर लाइट भी डली है। तो गाइस कुछ काम इसके अंदर पहले हो गया था और कुछ काम अब हो रहा है, तो आप क्या हो गया कि भाई थोड़े पुरानी है, तो आप देख लो। तो आपको मैं पूरी कंप्लीट मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा जो इस गाड़ी के अंदर हुआ है, तो एक बार मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, तो इसके अंदर अपनी पिलर लाइट भी इंस्टॉल हुई है, आप पूरा आप चेक कर सकते हो। साथ ही जो आफ्टर मार्केट लाइट्स है देयर लुकिंग अमेजिंग, ये अपनी BMW स्टाइल आफ्टर मार्केट लाइट्स हैं अपनी क्लियर वाली। साथ ही साथ अगर आप नीचे आओगे तो गाइस आपको उसके अंदर रिफ्लेक्टर भी दिखेंगे। तो एक बार आपको पीछे से लुक दिखा देता हूँ दोनों चीज़ों की, कितनी बढ़िया लुक आ रही है। साथ के साथ गाइस अगर मैं आपको एक और पार्ट दिखाऊं तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, और आप देखो जो अपना क्रोम वाला पार्ट होता है इसके अंदर भी LED है, तो आप पीछे से पूरा सेटअप चेक कर सकते हो, लाइटिंग कितनी बढ़िया लग रही है। तो जिनको भाई मॉडिफिकेशन शौक है उनका मज़ा आ रहा होगा देख के, पूरी अपनी आफ्टर मार्केट लाइट्स, अपनी पिलर लाइट्स, अपने रिफ्लेक्टर, और जो ये वाली पार्ट है भाई बहुत ही शानदार लग रहा है आप देखो। तो गाइस आज की वीडियो पूरी कंप्लीट क्रेटा की मॉडिफिकेशन के ऊपर होगी। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छी तरह इस गाड़ी का पूरा रेडी है, तो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले एक बार ही बाहर की बात कर लेते हैं पूरी, तो अभी अलॉयज आएंगे डिज़ाइन दिखाऊंगा। अभी तो पुराने वाले अलॉयज थे मैं आपको दिखाता हूँ कौन से इंस्टॉल है इसके अंदर, ये वाले अपने अलॉयज इंस्टॉल हैं, तो ये भी अपने अलॉयज चेंज होंगे और चेंज होंगे बढ़िया लगेंगे। साथ ही साथ बेस मॉडल है, तो इसके अंदर अपनी रूफ रेल्स भी इंस्टॉल हुई है, और रूफ रेल्स इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। अपने जो डोर वाइज़र ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो गाइस आज की वीडियो मतलब आपको पूरी क्रेटा की मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा, क्या क्या आपको क्रेटा के अंदर एसेसरीज लगवा सकते हो, क्या क्या मार्केट के अंदर आती है, तो आप पूरा देख लो। इंटीरियर की बात करोगे तो रेड और अपना ब्लैक कलर का इंटीरियर बना हुआ है विद कस्टम ब्लैक रूफ, तो आप देखो रूफ भी अपनी पूरी बनी हुई है इसके अंदर। और म्यूजिक सिस्टम के बारे में गाइस काफ़ी हैवी अपग्रेड है, तो सब मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार आपको इंटीरियर का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, देखो पूरा इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, अपना ब्लैक और रेड कलर के अंदर पूरा इंटीरियर रेडी हुआ हुआ है। पूरा रूफ देखो भाई, रूफ कितनी बढ़िया लग रही है, चेक करो पूरा, ये देखो लुक देखो, बढ़िया शानदार काम हुआ है। साथ के साथ गाइस हेडलाइट का ऑलमोस्ट काम हो गया, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब इसे आपको फॉग लैंप ऑन करके दिखा देता हूँ, जब बम्पर वगैरह पैक होगा जब मैं आपको क्लियर ज़्यादा दिखा पाऊंगा। सो गाइस हमारा बम्पर वगैरह पैक हो चुका है, तो एक बार मैं आपको लाइट का रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी ये फॉग लैंप ऑन करे हैं, और ये नीचे HID है इसके अंदर क्रिस्टल लाइट जो मैंने दिखाया था, तो फॉग लैंप की रोशनी देख सकते हो, ये देखो पूरी फॉग लैंप ऑन है ये,
और आपको एक बार इस साइड से भी दिखा देता हूँ। और अगर रोड पे थ्रो दिखाऊँ मैं आपको, आप रोड पे थ्रो देख सकते हो इसका पूरा। और अब मैं पूरी हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये हेडलाइट का अपना लो बीम ऑन हुआ है, इसके अंदर भी 6000 केल्विन डली है और अपना हाई बीम, तो मैंने हाई बीम ऑन कर दिया है। तो एक बार आप पूरा इसका रिस्पॉन्स देख सकते हो, कितनी बढ़िया रोशनी आ रही है इस लाइट की। देखो पूरा ब्राइट अप हो गया ये फॉग लैम्प और वो। तो एक बार आपको सामने से भी दिखा देता हूँ। देखो और लाइट्स गाइस बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और जैसे इसकी वायरिंग हुई है फॉग लैम्प वगैरह भी देखो आप, पूरा रिस्पॉन्स देखो पूरी गाइस ब्राइट अप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्राइट अप हो गया देखो पूरा। और अभी गाइस एलॉयज वगैरह का काम रहता है, बाकी एलॉयज जो नए इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं वो आ चुके हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। गाइस आपको दिख रहा होगा बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो गाइस ये रेडियम वाले टायर स्टिकर है। देखो एलॉयज देखो अपना 5 स्पोक्स रेड और ब्लैक में है, अभी दिखाता हूँ आपको। और अपने रेडियम वाले टायर स्टिकर है जो पूरे रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। बढ़िया ये एलॉयज आ चुके हैं, तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन होगी वो भी आपको दिखाऊँ। तो गाइस ये एलॉय व्हील भी इंस्टॉल हो चुके हैं, और अपने रेडियम वाले जो स्टिकर्स हैं वो है, तो आपको दिखा देता हूँ। बड़े प्यारे लग रहे हैं ये और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का कलर तो गाइस ब्लैक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो। और एलॉय व्हील का डिज़ाइन दिखा देता हूँ देखो, और 17 इंचेस के एलॉय व्हील चाहिए। देखो भाई पूरी लुक देखो एक बारी, कितनी बढ़िया आ रही है। और मैंने अभी फ्लैश ऑन कर रखे हैं, एक बारी मैं आपको यहाँ से भी लुक दिखा देता हूँ। एक बार आप पूरी लुक चेक करो एलॉय व्हील्स की, देखो भाई। तो गाइज एक बार इंटीरियर भी दिखा देता हूँ आपको, जो इस गाड़ी के अंदर रेडी हुआ है, तो पूरा अपना रेड और ब्लैक कलर का इंटीरियर रेडी हुआ है। साथ में म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करो तो गाइज इसके अंदर अपना 5190 जो पाइनर का माउथ था वो लगा है। और जो अगर कंपोनेंट्स की बात करो तो इसके अंदर चारों अपने पावर बेस के कंपोनेंट्स लगे हैं। एक बार आपको पूरा इंटीरियर दिखा देता हूँ, देखो अपनी जो रूफ है गाइज वो वेलवेट ब्लैक है, तो भी काफ़ी बढ़िया लगता है पूरा इंटीरियर देखो। साथ के साथ गाइज इसके अंदर अपने स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी इंस्टॉल है देखो, जो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। गाइज बिल्कुल बेस मॉडल है, तो स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। अपना सनग्लास होल्डर जो होता है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर गाइज ये सब कुछ भी नहीं आता, सब इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। अभी मेरे इंटीरियर की लुक देखो पूरी सीट कवर की रेड और ब्लैक कलर की, अभी इंस्टॉल नहीं हो गई, इसे पहले ही हुआ था बट यहीं से हुआ था। और एक बार पूरी लुक देखो, और एक बार आपको बूट में वूफर भी दिखा देता हूँ कौन सा इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। ये लाइट्स बड़ी प्यारी लग रही है गाइस, ये देखो इंटीरियर भाई आप देखो, जो म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल हुआ वो रॉकफोर्ड का P1 सीरीज का डबल वूफर पूरा हुआ है, और ये पूरी गाइस रॉकफोर्ड से ही पूरी वूफर का सेटअप आता है। एक बार आप इसके लुक देखो, साउंड ऑन करके मैं आपको सुना ही दूंगा। और एक बार इंटीरियर यहाँ से दिखाता हूँ रूफ के साथ, रूफ देखो भाई शानदार लग रही है। और एक बार मैं सुनाता हूँ आपको इसकी साउंड। सो गाइस मैं एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ, तो यहाँ से कर देता हूँ प्ले। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो इसके अंदर अभी इंस्टॉल हुई है, अपनी इसके ऊपर DRL भी इंस्टॉल हुई है। तो ये DRL गाइज मतलब बाहर से लगी है, कुछ अंदर से नहीं लगी, आपको दिख रही होगी देखो, ये बिल्कुल गाइज बाहर से लगी है, बट इसकी जो लुक आती है वो काफ़ी जेन्युइन आती है। अब देखो पूरी लुक देखो इसकी, और साथ में जो गाइज एलॉयज लगे हैं टायर स्टिकर्स का, दे आर लुकिंग अमेजिंग। पीछे से पूरी लुक दिखाता हूँ एक बार गाड़ी की, तो आपको गाइज बिल्कुल फाइनल लास्ट लुक दिखा रहा हूँ। और एलॉयज देखो अभी मैंने फ्लैश ऑफ कर रखे तो इसलिए ये ग्लो नहीं कर रहे, बट जैसे ही अगर इस पर लाइट पड़ती है तो ग्लो करते हैं, रेडियम वाले स्टिकर्स हैं ये। पूरा बैक दिखा देता हूँ, तो गाइज काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है एलॉयज वगैरह के स्टिकर्स के साथ गाड़ी की। और इंटीरियर आप लोगों ने देख ही लिया है, पूरा इंटीरियर भी इसका रेडी हुआ है, और दोबारा से दिखाता हूँ आपको इंटीरियर ही देखो गाइस पूरा इंटीरियर। और आपको मैं एक बार लाइट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ,
पीछे की दोबारा से नाइट मोड, ये देखो अपनी BMW वाली जो रेड वाली होती है, और मेरे रिफ्लेक्टर्स देखो, और साइड प्रोफाइल देखो गाइस गाड़ी की पूरी। म्यूज़िक आप लोगों ने सुन लिया, काफ़ी हाई एंड म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, का डिफ्यूज़र भी लगा हुआ है बैक वाला जो आपको बताना भूल गया था। देखो इसके लुक देखो पूरी ओवरऑल, और अभी बस जस्ट फाइनलाइज हो रहा है काम, चेक कर सकते हो आप। फ्रंट से दिखा देता हूँ पूरी लुक एक बारी, फ्रंट से पूरी लुक देख लो भाई, और अब देखते हैं गाइस इस पर टोटल कितना स्पेंड हो गया। तो गाइज आप लोगों ने गाड़ी के अंदर जो भी काम हुआ है सब आप लोगों ने देख लिया था, तो राहुल भैया की गाड़ी थी, राहुल भैया ने पहले इधर से सारा काम कराया था। तो डिंपल भैया आज इस गाड़ी के अंदर क्या अपग्रेडेशन हुई है वो बता दो। आज भैया ने हेडलाइट्स लेके आए थे टॉप मॉडल वाली, वो इंस्टॉल करी है हम लोगों ने, HID लगी है, नीचे फॉग लाइट चेंज हो गए हैं, पीछे नंबर प्लेट पे क्रेटा की जो वाली जो लाइट आती है वो लगवाई है, और डुअल कलर में, डुअल कलर में, और पीछे सबवूफर इंस्टॉल कराया है P2 रॉकफोर्ड का, और मैट्स वगैरह और छोटा मोटा और भी बहुत काम था। तो गाइज आपने कहा लाइटिंग वगैरह में काफी अपग्रेड हुआ, HID लगी है ऊपर, आपकी DRL लगी है, और इंटीरियर भी आप पहले ही रेडी करवा के गए थे सारा कुछ, और इंटीरियर आपने देख लिया होगा रेड और ब्लैक कलर का, भैया ने पहले से ही रेडी करवाया था, और डिंपल भैया ने रेडी करा दिया। तो भैया आज भैया के कितने पैसे खर्च करवा दिए? आज पूरे 70-80 हज़ार 70-80 हज़ार लगे, और भैया ने पहले कितने लगाए थे? पहले वो 3-4 लाख रुपए लगा चुके हैं। तो काफी भैया ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखी है गाड़ी के ऊपर। तो भाई जिनको शौक होता है वो लगाते थे अपनी गाड़ी पे, हमने काफी लगा रखे हैं, कोई अंदाजा नहीं है, हमारे हर महीने के कस्टमर हैं। और भैया कहाँ से आए और बता दो स्पेशली कहाँ से आते हो काम करवाने? मध्य प्रदेश ग्वालियर। तो भाई भैया स्पेशली ग्वालियर से आते हैं काम कराने। तो भैया और जो अपने अलॉय व्हील लगवाए उसकी कॉस्टिंग बड़ी करो बता दो। 32,000 विद स्टिकर्स। जो गाइस आपने रेडियम वाले स्टिकर देखे हैं उसके साथ भैया को 32,000 की कॉस्ट पड़ी है, और वो भैया ने इधर इंस्टॉल करा है, अपने पुराने भैया ने रिटर्न दिया है। रिटर्न भैया कितने के लिए हमारे? रिटर्न उसने 10,000 10,000 के करीब गाइस रिटर्न में लिए है, और पूरा सेटअप सब कुछ हुआ है। डिंपल भैया और कुछ रह जाता है गाड़ी में काम कराने लायक? छोटी मोटी जैसे ऑटोमेटिक साइड मिरर्स नहीं था इसमें, एसी क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ऑटोमेटिक जो टॉप मॉडल में आता है भैया, आपको जरूरत नहीं लग रही है? सनरूफ भैया बहुत जल्दी कराने वाले हैं। चलो भाई जैसा भी जो भी होगा आपके साथ अपडेट बिल्कुल आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्रेटा मॉडिफाई करवानी हो, कोई और कार मॉडिफाई करवानी हो तो डिंपल भैया के पास आ जाना। डिंपल भैया अपनी शॉप कहाँ पड़ती है बता दो। बालाजी कार करोल बाग, और कार स्टूडियो भी है हमारी सेकंड शॉप जो वो भी करोल बाग में हमारे नियरेस्ट, और आप अब्दुल अजीज रोड पे आ सकते हैं नियर धनलक्ष्मी। तो गाइस अगर आपको ऐसी पूरी मॉडिफिकेशन करवानी है तो भैया के पास आ जाना, और आपकी कंप्लीट मॉडिफिकेशन हो जाएगी। राहुल भैया हमारे पास ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लाते रहते हैं मॉडिफाई करवाने के लिए। करीब चौथी क्रेटा है जो हमारे पास तैयार होने आ रही है इसी बजट के अंदर भाई, और सबको पसंद ही इतनी आ रही है भैया। बेस मॉडल लेके आते हैं और भाई 3-4 लाख रुपए लगा के बढ़िया बना देते हैं। तो भैया कुछ लोग बोलेंगे टॉप मॉडल क्यों नहीं लिया, अगर उसका भी जवाब दे दो यार। उसमें पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना कंपनी से, अपने शौक में मजा नहीं आता, बस वो चीज सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन। तो भाई अभी सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है कि जैसा मन हुआ उस हिसाब से हमने मोल्ड कर ली, उस हिसाब से हमने मॉडिफाई करवा लिया और काम करवा लिया। तो भाई आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और डिंपल भैया का नंबर आपको फ्लैश होता दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, भैया को कॉल कर लेना, कोई भी एसेसरीज की प्राइसिंग एक्जैक्ट चाहिए हो वो भी कॉल कर लेना, और जो भी रिक्वायरमेंट हो भैया से कॉल कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज कर सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू गाइज़।